Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to share with you guys glitter eye makeup look. तो किस तरह से आप lash glue को use करके loose glitters apply कर सकते हैं. अगर आपके पास glitter glue नहीं है, आप lash glue को भी use करके glitter apply कर सकते हैं, specially loose glitters. तो ये hack होगा. और किस तरह से apply करना है, किस way में apply करना है, मैं आपको step by step सिखाऊंगी इस video में. आप चाहें तो आप base के लिए किसी भी color का eyeliner use कर सकते हैं. मैंने ब्लैक कलर का आई लाइनर यूज़ किया है. आप चाहें तो आप ब्राउन कलर का लाइनर यूज़ कर सकते हैं, ब्लू कलर का लाइनर यूज़ कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको लूज ग्लिटर्स अप्लाई करने हैं. और ध्यान रखें, अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस आपको लूज ग्लिटर्स अप्लाई करने हैं. मैंने थोड़े से ब्लू ग्रीनिश ग्लिटर्स अप्लाई किए हैं. आप सेम वे में गोल्डन कलर के ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर के ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर के, बहुत ही अच्छे लगते हैं. और ये वाली लुक स्पेशली अगर आप वेडिंग के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत ही डिफरेंट लुक है, तो ज़रूर ट्राई करके देखें. और इस तरह की मैंने और भी ग्लिटर्स पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं कि प्रेस ग्लिटर्स कैसे अप्लाई करने हैं. अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर चेक करें मेरे चैनल पे. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. किसी भी आई मेकअप को शुरू करने से पहले बेस अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके आई शेडोज वाइब्रेंट लगें तो आपको बेस अप्लाई करना ज़रूरी है, ताकि आपके आई शेडोज बहुत ज़्यादा स्मूथली अप्लाई होते हैं. अब आप चाहें तो आप आई शेडो प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. मुझे पर्सनली कंसीलर्स अप्लाई करना बेहद पसंद है, तो मैं फिटमी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. बहुत ज़्यादा थिक है ये, तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपनी आईज़ पर. और अप्लाई करने के लिए मैंने स्मॉल बफिंग ब्रश यूज़ किया है. कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद आप अच्छे से कंसीलर को सेट करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए आप प्रेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं, लूज पाउडर से सेट कर सकते हैं, क्योंकि कंसीलर क्रीम बेस है. आई मेकअप के लिए मैंने फोकिलो की सनराइज पैलेट यूज़ की है. मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूंगी. अब सबसे पहले मैं ये वाला ऑरेंज शेड ले रही हूँ. अप्लाई करने के लिए आपको फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करना है. ये सिग्मा का है, ये सिग्मा का E40 ब्लेंडिंग ब्रश है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. और आपको अच्छे से अप्लाई करना है इसको क्रीज में और लाइटली क्रीज के ऊपर, और ये आपका ट्रांजिशन शेड होगा. अब आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि आपको फ्लफी ब्रश में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है कि नहीं. तो आपको फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपका लुक बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड लगे. और पर्सनली मुझे सिग्मा के ब्रशेज बहुत पसंद है. अब मैं रीअप्लाई कर रही हूँ सेम शेड सेम वे में, ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए कलर. और दोनों आईज पे अप्लाई कर लूँगी इस तरह से. अब नेक्स्ट मैं ये थोड़ा सा लाइटर शेड ले रही हूँ पैलेट में से, और मैं इसको अपनी ब्राउ बोन पे अप्लाई करूँगी एक स्मॉल फैन ब्रश के साथ. अब आईलाइनर के लिए मैं एसेंस का लिक्विड इंक लाइनर यूज़ कर रही हूँ. आप चाहें तो आप कोई भी लिक्विड लाइनर यूज़ कर सकते हैं. लैकमे का एब्सोल्यूट लाइनर भी बहुत अच्छा है. अब सबसे पहले आपको अपनी लैश लाइन के पास इस तरह से थिक लाइन ड्रॉ करनी है. फिर नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी वाटर लाइन से एक्सटेंड करेंगे, और फिर नीचे देखें और दोनों लाइंस को आप कनेक्ट कर दें. और मैं थोड़ा सा थिक ड्रॉ कर रही हूँ लाइनर, क्योंकि आपके पास स्पेस होनी चाहिए कि आप ग्लिटर से अप्लाई करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा थिक लाइनर अप्लाई करना ज़रूरी है. अगर आप थोड़ा सा ग्लिटर लाइनर अप्लाई करते हैं तो इस वे में मैं थोड़ा सा थिक करती जाऊँगी इस तरह से. तो मुझे पर्सनली ये वाला लाइनर काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत अच्छा है. अब सेम वे मैं दूसरी आंख पे भी अप्लाई कर लूँगी. अब लैश ग्लू के लिए मैं फ्लोरेस की लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. ग्लिटर्स के लिए मैं ये वाले थोड़े ब्लू और ग्रीनिश मिक्स ग्लिटर्स हैं, लूज ग्लिटर्स हैं. तो सबसे पहले स्टेप में आपको थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना है, क्योंकि लैश ग्लू बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है. तो आप पहले इनर कॉर्नर्स की तरफ अप्लाई करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करनी, तो इस वे में अप्लाई करें. अब उसके ऊपर मैं स्मॉल ब्रश के साथ लाइटली ग्लिटर्स को इस तरह से पैट कर रही हूँ. तो इस तरह से आप अप्लाई करते जाएंगे तो वो स्टिक होंगे जहाँ पर आपने सिर्फ लैश ग्लू अप्लाई की है. अप्लाई करने के लिए आप कोई भी स्मॉल ब्रश यूज कर सकते हैं. मैंने एंगल ब्रश यूज किया है स्मॉल. अब सेम वे में मैं
फिर से लैश ग्लू अप्लाई कर रही हूँ और उसके ऊपर मैं ग्लिटर्स अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। तो जहाँ पे आपने लैश ग्लू अप्लाई की होगी वहीं पे ग्लिटर स्टिक होंगे, तो लाइटली आप डैब करते जाएं इस तरह से। अब फिर से तो आप थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करें जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक ही बारी में बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेंगे या पूरी आईलाइनर के ऊपर अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो लैश ग्लू होगा वो ड्राई हो जाएगा और आपकी ग्लिटर जो है वो स्टिक नहीं होंगे। तो आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, तो थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करें ताकि सिर्फ लाइनर के ऊपर ही ग्लिटर्स लगे। अब मैं विंग पे अप्लाई कर लूँगी लैश ग्लू इस तरह से, और उसके बाद अगेन सेम वे में आपको डैब करना है ग्लिटर्स को। तो इस तरह से मैं डैबिंग मोशन से अप्लाई कर लूँगी। तो ये बहुत ही ईजी वेव है। फॉल्स लैशेस के लिए अगेन मैं फ्लोरल लैशेस यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फॉल्स लैशेस यूज़ कर सकते हैं। और लैश ग्लू के लिए मैंने सेम फ्लोरल की लैश ग्लू यूज़ की है, अगेन आप कोई भी लैश ग्लू यूज़ कर लें जो आपके यहाँ मिलती है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या अमेज़ॉन पे चेक कर लें। तो इस तरह से मैं स्टिक करूँगी सेंटर से और फिर एंड्स को स्टिक कर लूँगी। काजल के लिए मैं मेबेलिन का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और मैं अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी इस तरह से, तो दोनों आँखों में अप्लाई कर रही हूँ। अब पैलेट में से सेम मैं ये वाला कलर ले रही हूँ जो मैंने अपनी क्रीज में अप्लाई किया था, और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अपनी लोअर लैश लाइन पे। तो आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करी हूँ और इनवर्ड्स ब्लेंड करूँगी। तो सेम वे में मैं दूसरी आंख पे भी अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मैंने मेबेलिन का मस्कारा यूज़ किया है और मैं अच्छे से अपनी लैशेस को कोट करूंगी इस मस्कारा से। अब पैलेट में से सेम ये वाला शेड ले रही हूँ जो मैंने अपनी ब्राउन पे अप्लाई किया था। अब इसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी यूजिंग अ स्मॉल ब्रश। सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइस। अब आपने सीख लिया होगा किस तरह से, अगर आपके पास ग्लिटर ग्लू नहीं है आप लैश ग्लू को भी यूज़ करके लूज ग्लिटर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान आपको ये रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करें, एक ही बारी में बहुत ज़्यादा लैश ग्लू ना अप्लाई कर लें। और इस वे में जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी कलर का आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, आपको ब्लैक लाइनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूर ट्राई करके देखें और अलग अलग कलर्स की ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लुक है, डिफरेंट लुक है, स्पेशली अगर आप क्विक लुक करना चाहते हैं वेडिंग के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अगर आप ट्राई करें प्लीज़ मुझे टैग ज़रूर करें ऑन माय इंस्टाग्राम। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।